अरे गौशाला वाले तो पैसे खा जाते हैं, कोई सेवा वेवा नहीं करता, सब दिखावा है, बस नाम की गौशाला है। अरे वहाँ तो गायों को मार देते हैं, बेच देते हैं गौशाला वाले। अरे भैया उस गौशाला में तो गाय भूखी मरती है। अरे गौशाला वालों ने तो धंधा बना रखा है। तुम मेरे भाई, किसी भी गौशाला ने यदि ये धंधा बना रखा है तो ये धंधा आप क्यों नहीं करते? मेरा मानना है कि यदि आप ये धंधा करोगे तो कम से कम 10 गाय, 20 गाय, 50 गायों की तो आप सेवा करोगे, लेकिन आप सिर्फ लोगों को बोल सकते हो, कर नहीं सकते। जो अच्छे काम करने वाले या गौशाला में खासतौर से जो गायों की सेवा करते हैं उनके ऊपर एक मिनट में उंगली उठा देते हैं, हजारों प्रश्न खड़े कर देते हैं। एक एक शहर में, एक एक गांव में 20-20 मात्र 20-20 गाय भी रखना शुरू कर दे तो एक शहर के अंदर यदि 5 लोग भी ऐसे हैं, कहने वाले हजारों हैं, यदि उनमें से भी केवल 5 लोग रखने शुरू कर दें तो शायद रोड पर गाय ही नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, इस बात को कहने वाले कौन है? हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही हिंदू लोग। उन्होंने कभी गौशाला में जाकर के देखा नहीं कि गौशाला की मैनेजमेंट कैसे चलती है, किस प्रकार वो गायों के लिए चारा कहां कहां से मांग करके लाते हैं, कितनी गाय हैं, उन गायों के लिए क्या वहां पर सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं? नहीं। अरे हम अच्छा काम नहीं कर सकते तो जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके कार्य की सराहना कर सकते हैं, और सराहना नहीं करना चाहते तो हम कम से कम उनकी निंदा ना करें, क्योंकि वो लोग अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, सभी गौशाला वाले मेहनत से काम कर रहे हैं। एक्सेप्शनल या अपवाद हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लो, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, डॉक्टर में, इलाज में, हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ गलत लोग होते हैं जो अच्छा काम नहीं करते या अपने कार्य को पूर्ण रूप से नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से सब खराब है। तो हम जो गौशाला वालों के ऊपर उंगली उठाते हैं वो उंगली उठाना बंद कर दें, ये हमारे धर्म के लिए और गौ माता के लिए बहुत घातक साबित होगा। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, गौशालाओं में जाएं, जाकर के उसका एक हिस्सा बने, ना कि उसके लिए कोई अवरोध बने।